तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे नए वीडियो में। तो आज हम लोग आ गए हैं रामेश्वर धाम मंदिर, जो तमिलनाडु में पड़ता है। रामेश्वर धाम मंदिर घूम चुके हैं और यहाँ से कुछ ही दूर पे पड़ता है एक भविष्यन मंदिर, जो कि रावण के छोटे भाई थे, उनके मंदिर घूमने जा रहे हैं हम लोग। और ये हमारे जो यहाँ पर घूमने लायक जगह है, वहाँ पर से एक पहला जगह यह है। यहाँ से धनुषकोड़ी जाने का रास्ता में पड़ता है, तो टेम्पू वाले भाई साहब बोले कि पहले ये घूम लो, उसके बाद से आपको धनुषकोड़ी लेके चलते हैं, जहाँ से राम जी पुल बने थे। तो अभी फिलहाल हम लोग रास्ते में हैं और देखे राजा भैया भी है और आगे बैठे हैं राजा भैया, और साइड से मैं पीछे हूँ, इसको वीडियो ले रहा हूँ। देखा अभी मैं रास्ते में हूँ अभी हम लोग। ये बहुत बढ़िया नज़ारा है, आप भी यहाँ पे आइए घूमने के लिए। रामेश्वर धाम को भी घूमने के लिए आए, तो आपको घूमने की जरूरत नहीं है, ये खुद टेम्पू वाले भाई साहब आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ घूमने लायक जगह है। और आप सर्च करके भी आप आ सकते हैं घूमने लायक जहाँ भी जगह होगा। ये देखिए हम लोग अब मेन रास्ता छोड़ के अब इधर जो है ना भविष्यन मंदिर, वहाँ पर हम लोग चल दिए हैं। अब इधर मंदिर के पास जाएंगे, मंदिर के क्या क्या है आपको दिखाएंगे हम। बहुत ही बढ़िया जगह है, वो आप इमेजिन कर सकते हैं ना, जैसे कि हम लोग बहुत पहले से ही रामायण देख चुके हैं, तो हम लोग को पता था कि हम अभिसर जी ऐसे आते हैं और ऐसे एक कांड होता है, ऐसे मितारता होता है। तो ये सब आपको सब यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए दोनों तरफ समुद्र सूख गया है, पानी आगे जाके मिल जाएगा। तो अभी हम लोग अभी रास्ते में है, रास्ते में जा रहे हैं, अभी मंदिर के पास में पहुँचेंगे तो आपको दिखाते हैं हम क्या क्या है वहाँ पर घूमने लग जाएगा। ये देखिए मंदिर के पीछे से नज़ारा है, अभी हम लोग जा रहे हैं। देखिए बहुत लोग यहाँ पे, जितना भी टूरिस्ट लोग हैं, जितना भी घूमने आए हैं रामेश्वर धाम मंदिर, वो यहाँ पे जरूर घूमने के लिए आएंगे, क्योंकि ये भी मंदिर का एक खास वजह है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे कौवा है, पता नहीं ये क्या है, कुछ इसका रीज़न होगा जहाँ पर कौवा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अभी तो फिलहाल हम यहाँ वीडियो बनाने के रुके, चाहे लोग आए फोटो खिंचवा रहे हैं तो ये उड़ गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा है। देखिए ये रहा टेम्पल, आप कुछ वीडियो जूम करके पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा गया है यहाँ पे। और ये रहा अंदर, श्री राम जी और लक्ष्मण माता जी हमारे बजरंग बली भी हैं जो ऊपर के साइड में। और देखिए सब कितने लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं और ये भी घूमने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो अभी मैं मंदिर के अंदर चलता हूँ, वो पहले ही अलाउ नहीं है, अंदर फोटो खींच सकते हैं पर वीडियो नहीं बना सकते। तो मंदिर के गेट तक हम वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे, अंदर का नहीं दिखा सकते हम लोग। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं। देखिए राजा भी अभी आगे शूट कर रहे हैं, फिर वहाँ से आपका कैमरा बंद हो जाएगा। देखिए बाहर का थोड़ा आपको दिखा रहे हैं हम, 1976 और 78 में मंदिर का सामना हुआ है। यहाँ पे आप रोक के वीडियो देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है और क्या यहाँ पर इसका फोटो है। ये भविष्यन जी के बारे में लिखा हुआ है कि ये शायद तपस्या कर रहे थे तो विष्णु जी प्रकट हुए और उनको अपना शायद अमर होने के लिए बताए। और ये रहे रावण, जो कि भविष्यन बता रहे थे कि सीता माता को घर उनके राम जी के पास लौटा दो, तो ये शायद उनको लत मार के जो बाहर निकला था वहीं सीन यहाँ पे दर्शाया गया। और ये रहा हमारे बजरंगबली जी, जो समुद्र मार्ग से आ रहे हैं ना भविष्यन राम जी से मित्रता करने के लिए, तो वहीं वो दिखा रहे हैं। ये हम लोग सब रामायण में देख चुके हैं, तो यहाँ पर आने पर बहुत ज़्यादा इमेजिंग होता है कि हाँ ये सब हम सीन देखे हैं बहुत पहले और यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और देखिए शायद मित्रता होने के बाद ये कुछ कुछ सीन आपको दिखा रहे हैं हम, इसको लास्ट में हम दिखाएंगे बहुत बढ़िया से आपको। देखिए शायद ये फिर भी एक रिपीट हो रहा है, आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए और यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, आपको क्या कुछ है इस मंदिर में और आपको दिखाते हैं हम। देखिए आगे चल के गणूर जी का मूर्ति है जहाँ पे लगा है, ये थोड़ा सा मोबाइल हम जुम्मन के बगली में रख के फ़ोटो खींच लिए हैं। देखिए आपको दिखा रहे हैं थोड़ा सा ये, क्योंकि बगली में रखे हुए हैं, फ़ोन वीडियो करने के लिए अलाउ नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा खींच लिए हैं ऐसे ही। अब बाहर निकल जाएंगे, देखिए बाहर का बैकग्राउंड नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। देखिए टेम्पू वाले भाई लोग सब लोग जो घुमाने के लिए लाए हैं वो सब लोग यहीं पे खड़े हैं। देखिए बाहर सबको नज़ारा कुछ दिखा रहे हैं, सब लोग अभी घूम घूम के जा रहे हैं और यहीं से दिखा रहे थे दूरबीन से। एक आदमी बोला था कि यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि राम सेतु पुल कैसे दिखता है। तो फिर हम लोग चल निकल चुके हैं यहाँ से धनुषकोड़ी, यहाँ पर राम जी पुल बने थे और पुल बांध के श्रीलंका गए थे, तभी हम लोग वहाँ निकल चुके हैं। अभी फिलहाल यहाँ से रास्ते का वो सीन है, धनुषकोड़ी जाने वाला रास्ता, धनुषकोड़ी का इतिहास रहा है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दिखाएंगे धनुषकोड़ी कैसा वहाँ का नज़ारा है। देखिए समुद्र इस साइड समुद्र, हिंद महासागर इस साइड बंगाली खाड़ी, समुद्र महासागर में बहुत ज़्यादा उफान है, एकदम बस ये रास्ते का फर्क है, ठीक है। बीच में रास्ता गया है तो इधर हिंद महासागर हो गया, इस साइड हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, तो इस साइड ज़्यादा लहर ज़्यादा है और इस साइड कम है। देखिए फिर आपको ऊपर से ड्रोन से कैमरा से जो लिया गया सीन आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए कितना मस्त नज़ारा है, आप भी आइए यहाँ घूमने के लिए, तो ये जगह ज़रूर घूमिए। और आप सब जय श्री राम कमेंट में लिख दीजिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।